Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with chapter number 5th, Arithmetic Progression of Standard 10th NCERT Maths. Okay, अपने last exercise में last lecture में क्या पढ़ा था कि arithmetic progression कैसे होते हैं, उसके अंदर common difference क्या होता है कि difference सब दो terms के बीच का जो difference होता है वो common होता है वो arithmetic progression है. First term को A1 बोलते हैं, उसके बाद के जितने भी terms हैं A2, A3, A4 करके denote किए जाते हैं, उनका जो difference है तो उसके अंदर कोई भी एक an is equal to a plus n minus 1 d फॉर्मूला है जिसके अंदर एक भी एक चीज नहीं हो तो मिसिंग फिगर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर पूरा मिसिंग फिगर पर बेस्ड था, ये बार आगे थोड़ा एडवांस हम करेंगे. ठीक है, चेक वेदर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 दैट इज चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी 11852 एंड गोज ऑन. ओके, सो एपी क्या है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 एपी क्या 11852 एंड सो ऑन. ओके, सो चेक -150 टर्म है कि नहीं, मतलब -150 ए एन है या नहीं. सो ए एन की फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट. ये मैंने बोला था एकदम एकदम लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए फॉर्मूला, पूरे चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ने वाले. ओके, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ए एन क्या है, क्या ए एन 150 है, -150 क्या ए एन -150 है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा. ठीक है, अब ए हमारा क्या है 11 प्लस एन मुझे पता नहीं है, डिफरेंस मुझे पता है डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन दैट इज 8 माइनस 11 दैट इज -3. ओके, डी मुझे पता चल गया तो मैं ये क्या लिख दूंगी, डी इज इक्वल टू -3 लिख दूंगी. क्लियर एवरीवन. ओके, जब भी एन नहीं दिया हुआ हो उस केस में क्या करते हैं, ये जो प्लस है वो पहले माइनस हो जाएगा एंड देन इससे डिवाइड करेंगे. ठीक है, इस टाइप के सम से पहले लास्ट लेक्चर में भी किए. सो -150 -11 इज इक्वल टू एन -1 इंटू -3. ओके, सो बिकॉज प्लस बिकम्स -1 गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. सो -150 -11 दैट इज -, प्लस 150 प्लस 11 इज 161 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस. ओके, सो एन -1 3. नाउ एन -1 इज इक्वल टू -161 डिवाइड बाय 3. -161 डिवाइड बाय 3, क्या 3 से 161 डिवाइड हो सकता है, कैसे देखेंगे. 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 3 से डिविजिबल है, नहीं है. तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 161 से 3 डिविजिबल नहीं है. तो आंसर फ्रैक्शन में है, इंटीजर नहीं है. एस सॉरी अभी 1 बाकी है, तो n इज इक्वल टू -161 अपॉन 3 प्लस 1. ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 रखूंगी बिकॉज एलसीएम लूंगी प्लस और माइनस के केस में. 3 और 1 3, -161 प्लस 3 बिकॉज 1 3 सा तो 1, 3 1 सा 161. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, -160 माइनस प्लस माइनस 161 माइनस 3 दैट इज 158 एंड साइन ऑफ रिटर्न नंबर दैट इज -158 अपॉन 3. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, 14 इज नॉट डिविजिबल, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 14, सो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, आंसर फ्रैक्शन के अंदर है. एज एन इज नॉट एन इंटीजर, एन इंटीजर फुल होल नंबर होना चाहिए. एन इंटीजर नहीं है, एन इंटीजर मतलब क्या, नॉर्मल फिगर होना चाहिए, माइनस में या प्लस में, होल नंबर मतलब जीरो जीरो नेचुरल नंबर्स या फिर माइनस में नंबर, लेकिन पूरा नंबर होना चाहिए, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं चलता है. ठीक है, अगर एन इंटीजर नहीं है सो -150 इज नॉट अ टर्म. क्या पूछा है, वेदर 150 इज अ टर्म, तो इट्स नॉट अ टर्म. ओके, ऑफ दिस एपी. ओके, सो अच्छे से गो थ्रू करें तो फिर नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन 7 दैट इज 31st टर्म अपन को ढूंढना है, राइट, जिसके अंदर 31st टर्म कितना है अपन को ढूंढना है. 11th टर्म जो है इज इक्वल टू 38 एंड 16th टर्म
is equal to 73. Okay. So 11th term, n की फॉर्मूला क्या होती है? An is equal to a plus n minus 1 b, right? So मैं दो इक्वेशन बनाऊंगी, 11th term की एक 16th term की. A 11 is equal to a भी नहीं है मेरे पास, n है मेरे पास, that is 11 minus 1 और d मेरे पास नहीं, right? A मेरे पास नहीं है, 11 है मेरे पास, n 11 है, minus 1 d. So a plus 10d हो गया मेरा ये. A 11 कितना है लेकिन 38 है. तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d. ये मेरी पहली इक्वेशन होगी, राइट. नेक्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बनेगी? ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 डी, दैट इज ए 16 कितना है 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d, राइट. ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. ए ए कॉमन है दो में, सो एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशन, एलिमिनेशन बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में बहुत अच्छे से किया है. सो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि सबको एलिमिनेशन आता है, राइट. एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशंस, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73. ओके, सो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा एंड प्लस माइनस हो जाएगा. ए ए कट गया. 10 माइनस 15 इज माइनस 5d, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ रिटर्न नंबर. 38 माइनस 73, दैट इज प्लस माइनस माइनस, तो 73 माइनस 38 35 इज इक्वल टू 35. माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 35 बिकॉज साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, राइट. सो d इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 5. 5 वन जा 5 सेवन जा, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, देयरफॉर द डिफरेंस इज 7. क्लियर, डिफरेंस 7 आ गया. एक बार इधर ध्यान देना, a प्लस 10d इज इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो कोई स्टेटमेंट लिखना है, इज इक्वल टू 38. सो a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 38. सो a प्लस 50 इज इक्वल टू 38. सो a इज इक्वल टू 38 माइनस 50 बिकॉज एडिशन बिकम्स माइनस व्हेन गोस ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. सो a इज इक्वल टू माइनस 12. इज इक्वल टू माइनस 12. ओके, सो अच्छे से गो थ्रू कर लो, तो मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू कर लो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. टोटल 50 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म कौन सा टर्म हुआ? 50th टर्म. ओके, फाइंड द 29th टर्म. ओके, सो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? थर्ड टर्म दैट इज a3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म दैट इज a50 इज इक्वल टू 106. a 29 कितना है, राइट. अब a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, करेक्ट. सो a 3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 d इज इक्वल टू a 3 क्या है? 12 है. a 3 क्या है? 12. a प्लस 2 d, करेक्ट. ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन, जैसे लास्ट टाइम क्या था, एक्जेक्टली सेम. 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी मेरा पहला इक्वेशन आया. मेरा नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा? ए 50 इज इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस 1 डी. हाँ, इसमें एक ही ट्विस्ट है, दैट इज इनमें ऐसा बोला कि टोटल 50 टर्म है एंड लास्ट टर्म की वैल्यू ये है, मतलब अपन को ये अज्यूम करना है कि लास्ट टर्म ए 50 है, राइट, और उसकी वैल्यू दे दी 106. ये एक ट्विस्ट है जो समझना है स्टेटमेंट क्यों आया. ओके, सो ए 50 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी. A 50 इज इक्वल टू ए प्लस 40 हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन, राइट. अब एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशन, बिकॉज दोनों में ए कॉमन है तो मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है. एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशन, दैट इज ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड ए प्लस 49d ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106. ये 106 है, दे दिया वैल्यू. ओके, सो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों कट गया. 2d माइनस 49d दैट इज माइनस 47
D is equal to 12 minus 106 minus plus minus 106 minus 12, that is 94. 106 minus 12, that is 94. So D is equal to, ये भी minus होगा because plus minus minus. अब sign of written number इसलिए minus 94 minus 47. वन सा टू सा. ओके सो therefore माइनस माइनस कट हो जाएगा. D इज इक्वल टू टू. एक बार मुझे D की वैल्यू मिल गई, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन वन, दैट इज A प्लस टू डी इज इक्वल टू 12. सो A प्लस टू इंटू टू इज इक्वल टू 12. सो A प्लस फोर इज इक्वल टू 12. सो A इज इक्वल टू 4. A इज इक्वल टू 12 माइनस फोर, दैट इज 8. ओके सो ये मेरी A की भी वैल्यू आ गई, D की भी वैल्यू आ गई, करेक्ट. अब बोला फाइंड द 29th टर्म. इसके अंदर 29th टर्म ढूंढने के लिए बोला है, इधर फोकस करना. 29 क्या होगा? A 29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 D. D मेरा कितना है? 2. A मेरा कितना है? 8. तुमको पहले फॉर्मूला लिखनी है, इधर स्पेस की कमी है इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ. सो A 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2, करेक्ट. सो इज इक्वल टू 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64. So 829 की वैल्यू क्या आ गई? 64. क्लियर एवरीवन? ओके सो गुड बाय एवरीवन. एंड सेक्शन बाय दिस सम विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.